इटावा में महिलाओं ने 10 मिनट में ही लगाया ज्वेलर्स को चूना। सामने आया वीडियो तो हर कोई रह गया हैरान, बातों ही बातों में गायब कर दी ज्वेलरी। देखिए सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हुई चोरी की यह घटना। यूपी के इटावा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दो महिलाओं ने प्लान बनाकर पहले तो ज्वेलर्स को बातों में उलझाया और फिर ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। शोरूम में लगे सीसीटीवी में जब पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो पुलिस भी अब छानबीन करने में जुट गई है। पहले आप वीडियो में देखिए कि कैसे महिलाओं ने ज्वेलर्स को चूना लगाया, फिर आपको व्यापारी का दर्द भी सुनाएंगे। दिन दहाड़े चोरी के बाद ज्वेलर्स ने थाना कोतवाली में इस घटना की शिकायत की, साथ ही सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। कोतवाली पुलिस इन महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। वहीं ज्वेलर्स पारस जैन ने बताया कि दो महिलाएं दोपहर को दुकान पर कान के झाले देखने आई थी। दोनों इधर उधर की बातें करके उलझाने लगी और फिर करीब 15 ग्राम के झाले लेकर रफू चक्कर हो गयी। घटना की जानकारी पर थाना कोतवाली प्रभारी अपनी टीम के साथ दुकान पर आए, घटना की जांच पड़ताल की, सीसीटीवी देखा और माल वापसी का आश्वासन भी दिया। सुनिए व्यापारी ने क्या कहा है। पारस जैन, अरे दो महिलाएं जो आई कान के झाले देखने के लिए और वो इधर उधर बातों में लगा के लगभग 15 ग्राम के दो झाले चुरा कर ले गई वो। उसके बाद हमने उसे अपने कैमरे में देखा, हमने समझ में आया, उन्होंने जेब में रख लिया है। फिर उसकी कोतवाल साहब को तहरीर दी, कोतवाल साहब आए उनके साथ, पूरी टीम के साथ आए और उन्होंने पूरी जाँच की, कैंड दिलवाने का वादा करके गए। वहीं थाना कोतवाली प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है, तहरीर मिल गई है। दोनों आरोपी महिलाओं को सीसीटीवी के आधार पर उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।